हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, तो आज हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, यानी हमें क्या करना है कि ये जो फिगर हमारे पास दे रखा है, इस फिगर को हमें देखना है और आइडेंटिफाई करना, यानी जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द सेंटर ऑफ सर्किल, यानी अब ये सर्किल आपके पास दे रखा है, इस सर्किल का सेंटर कौन सा हो जाएगा। तो सेंटर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये सेंटर नज़र आ रहा है ओ, तो सेंटर क्या हो गया इसका, ओ हो गया। ठीक है, ओ इसका क्या हो गया, ये सेंटर। सेकेंड पूछा है 3 रेडियस, अब यहाँ पर आप रेडियस को देखिए, रेडियस क्या है, तो रेडियस हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ओ से लगाकर सी तक, यानी ओ से सी तक ले सकते हैं रेडियस। एक तो यहाँ पर बहुत सारी रेडियस है, ओ से ए भी एक रेडियस है, ओ से बी भी एक रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 3 रेडियस पूछा है, तो यहाँ पर 3 नज़र आ रही है, तो हम ये तीनों ही रेडियस यहाँ पर लिख लेंगे। तो तीनों ही रेडियस क्या हो गई, एक तो ओ से सी, ओ सी, सेकेंड है हमारे पास ओ ए, और थर्ड हमारे पास है ओ बी, ओ बी, ये इसकी रेडियस हो गई। अब इसी का सी पार्ट पूछा है, अ डायमीटर, अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, रेडियस का डबल कौन सा नज़र आ रहा है, ये बीच वाला नज़र आ रहा है आपको, ए से लगाकर सी तक, यानी डायमीटर क्या हो गया, ए सी। ठीक है, इसी का डी पार्ट हमें क्या पूछा है, कोर्ड, कोर्ड क्या होती है कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स मिलते हैं वो होती है कोर्ड। अब आप देखिए कि ए और बी भी, ए और सी, तो इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और इसका कोर्ड भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर किसको ले लेंगे, ई और डी को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए और सी को हमने डायमीटर ले लिया है, तो ई और डी इसका कोर्ड हो जाएगा, यानी ई और डी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन पूछा है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, यानी ऐसे 2 पॉइंट्स जो इंटीरियर हो, यानी सर्कल के अंदर कौन कौन से पॉइंट है। तो आप देखिए यहाँ पर एक तो O नज़र आ रहा है और एक आपको क्या नज़र आ रहा है, P नज़र आ रहा है, ये दोनों ही पॉइंट्स इंटीरियर है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, O एंड P। ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट्स है। नेक्स्ट पार्ट इसी का पूछा है हमें कि अ पॉइंट इन द एक्सटेरियर, एक्सटेरियर पॉइंट कौन से हो जाएंगे अब, यानी बाहर पॉइंट कौन से है, तो बाहर आपको सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, ये क्यों नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्सटेरियर पॉइंट, यानी यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एक्सटेरियर पॉइंट हमारा ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, नेक्स्ट इसी का जी पार्ट हमें क्या पूछा है, अ सेक्टर, अब सेक्टर कौन सा होगा, ये होगा ए ओ बी। ठीक है, तो सेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ओ बी इसका सेक्टर होगा। अब नेक्स्ट हमें पूछा है सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होगा, अब ई से डी हमारी क्या होती है, कोर्ड होती है, लेकिन ई और डी से जो एरिया पूरा ही कवर होता है, यानी ये जो येलो कलर का एरिया यहाँ पर बता रखा है वो क्या होगा, सेगमेंट होगा, और यहाँ पर जो येलो कलर का बता रखा था यहाँ पर वो क्या था, ये था सेक्टर। अब सेगमेंट क्या हो जाएगा, ई और डी, या फिर आप यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट्स दिया होता तो हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते, लेकिन ई और डी इसका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ई एंड डी ये क्या हो गया, इसका सेगमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑल्सो अ कॉर्ड, क्या जो प्रत्येक डायमीटर होता है क्या वो कॉर्ड होता है। यस, जो डायमीटर होगा वो तो क्या होगा, कॉर्ड होगा, यानी डायमीटर एक सर्कल बना दिया और उसका बीच का एक डायमीटर होगा। ठीक है, तो वो उसको हम कॉर्ड भी कह सकते हैं, जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, कि यानी कॉर्ड क्या होता है कि कोई भी सर्कल होता है इसके कोई भी दो पॉइंट हो, यानी इसके कोई भी दो पॉइंट अगर हम लेते हैं और उनको अगर मैच कर लेते, चाहे वो पॉइंट कहीं पर भी क्यों ना हो, हम अगर उसको मैच कर लेते तो वो क्या होगा, उसका कॉर्ड होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड। सेकेंड इसी का क्वेश्चन क्या पूछा है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑल्सो अ डायमीटर,
क्या सर्किल का प्रत्येक कोर्ड डायमीटर होगा? नहीं होगा। यानी एक सर्कल आप देखिए कि जैसे ये एक सर्किल है, ठीक है, इसका ये मैंने एक बना दिया है कोर्ड, लेकिन उसका डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, तो इसको हम डायमीटर नहीं कह सकते। यानी इसका क्या हो जाएगा? नो, एवरी कोर्ड ऑफ अ सर्किल इज नॉट अ डायमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क। यानी हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है और जो भी हमें यहाँ पर पूछे गए हैं वो उसमें मार्क्स करने, यानी एक सेंटर भी उसमें मार्क्स करना है, रेडियस करनी है, उसमें डायमीटर भी बताना है और उसमें सेक्टर भी बताना है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको पहले ही समझा दिया था कि किस तरीके से हम एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें सेंटर और रेडियस और डायमीटर ये सारी चीज़ें उसमें हम बता सकते हैं। तो अब आप देखिए, मैं एक बार वापस बता देता हूँ, यहाँ पर हम कंपास से ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए आप, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या बताना है सेंटर पॉइंट को? यहाँ पर हम कुछ भी जैसे नेम दे सकते हैं। अब आप देखिए कि सेंटर पॉइंट से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा। ठीक है, तो यहाँ सेंटर को हमने ओ नेम दे दिया और यहाँ मैंने लिख लिया ए। ठीक है, तो सेंटर क्या हो गया? यहाँ पर सेंटर हो गया है ओ। रेडियस क्या हो गई? ओ से ए। ये क्या हो गई? इसकी रेडियस हो गई ओ से ए। नेक्स्ट क्या है? डायमीटर। अब यहाँ पर डायमीटर क्या होगा? तो रेडियस का जस्ट डबल, तो इसको इस तरीके से कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए आप भी। तो ए से बी क्या होगी? इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है? सेक्टर ड्रॉ करना है। अब आप देखिए कि आपको यहाँ एक सेक्टर बनाना है। सेक्टर किन किन के बीच में बनता है? जो भी हमारे पास टू रेडियस है उनके बीच का जो एरिया है वो क्या होगा? वो सेक्टर होगा। तो अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर एक रेडियस और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक और ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है पी। तो ये जो बीच वाला जो एरिया होगा ये क्या होगा? इसका सेक्टर होगा, यानी बी ओ पी। बी ओ पी क्या होगा? इसका सेक्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, से ट्रू और फॉल्स। यानी हमें क्या करना है कि ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, उनको हमें पढ़ना है और बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो फर्स्ट आप देखिए, टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। यानी ये कह रहा है कि एक सर्किल है, उसके टू डायमीटर है, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को? तो डायमीटर कहाँ से निकलता है? डायमीटर सेंटर से निकलता है। ये एक डायमीटर हो गया ये भी। ठीक है, सेकंड डायमीटर अब कहाँ से बनाऊँ मैं? सेकंड डायमीटर आप देखिए, जैसे ये एक सेकंड डायमीटर हो गया पी क्यू, तो ये दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इस ओ पॉइंट पर। यानी ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। क्या एक सर्किल का सेंटर हमेशा उसके इंटीरियर पार्ट में होता है? यस, सर्किल के अंदर ही होता है उसका सेंटर। ये सर्किल है तो उसका सेंटर कहाँ होगा? उसके अंदर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फोर। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।